हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सोनल सिन्हा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं, जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके कई कंपनियों ने अपना एक्सपेंशन किया है, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि फ्रेंचाइजी मॉडल होता क्या है। दोस्तों मान लीजिए मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन मतलब ठीक ठाक उसका नाम हो चुका है और किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में है, मान लीजिए मुंबई में है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कंपनी का जो ऑफिस है, सेंटर है, मैं अपने बिजनेस को दूसरे भी सिटीज और टाउन में फैलाऊं। जैसे मैं चाहता हूँ मैं बैंगलोर में करूँ, मैं दिल्ली में भी स्टार्ट करूं, मैं गोवा में भी स्टार्ट करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक रुपए अपना पैसा खर्चा ना करूं। क्योंकि अगर दूसरे जगह पे अगर आपको ऑफिस स्टार्ट करना है, सेंटर स्टार्ट करना है, तो ह्यूमन रिसोर्स का आपको पैसा खर्चा होगा, सेंटर का पैसा खर्चा होगा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए लेबर लगेंगे, रॉ मटेरियल्स लगे, मतलब बहुत सारी चीजें जिसमें आपको खर्चा करना पड़ता है। लेकिन मैं पैसा नहीं खर्चा करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं फ्रेंचाइजी मॉडल का इस्तेमाल करके इसको एक्सपैंड करूंगा। और इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसे लोगों को कनेक्ट करूंगा जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, जो मेरे बिजनेस मॉडल में इंटरेस्टेड हैं, और उन्हें बोलूंगा कि आप मेरे राइट्स को खरीदो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रहीम है, उसको मैंने बोला कि वो मेरे बिजनेस मॉडल में उसने इंटरेस्ट दिखाया, मैंने बोला कि रहीम यू कैन टेक माय फ्रेंचाइजी, मतलब आप मेरा राइट्स खरीदो, बिजनेस का राइट्स, पूरा 100% नहीं, मतलब मेरे बिजनेस का नाम का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट, आप मेरा ही प्रोडक्ट बेचो आप वहां पे किसी दूसरे सिटी में, लेकिन जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसका आप मुझे कुछ परसेंट रॉयल्टी दे देना, क्योंकि आप मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि अगर वो खुद से सेम बिजनेस मॉडल स्टार्ट करता तो उसको एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता, उसको पॉपुलर होने के लिए बहुत सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी पड़ती, ब्रांडिंग एक्टिविटीज करनी पड़ती, काफी पैसा खर्चा होता, वो ये सारे मेहनत नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने उसको अपना राइट्स, अपने बिजनेस का राइट सेल कर दिया और कुछ पैसे में, और उसके बाद मैंने उससे हर सेल में या हर महीने जो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, बेसिकली बहुत लोग महीने करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, सिक्स मंथ्स में करते हैं या फिर वन ईयर करते हैं, मैंने उनसे सेल में रॉयल्टी ली, मतलब जो वो बिजनेस जनरेट कर रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज। इसी मॉडल का इस्तेमाल करके जैसे मैंने आपको बताया कई कंपनियों ने अपना एक्सपेंशन किया है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है दोस्तों, मेरा इन्वेस्टमेंट है जो मैं अपना मेन सेंटर चला रहा हूं, जो मेरी मेन कंपनी है, और जो दूसरे दूसरे सिटीज में मेरे नाम की कंपनियां खुल रही हैं वो मेरा नाम यूज कर रहे हैं, पैसा वो पूरा खुद लगा रहे हैं, और मैं यहां आराम से बैठा हूं और मुझे रॉयल्टी आ रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, बिजनेस कॉन्सेप्ट है एक तरीके से आप बोल सकते हैं। और इसका इस्तेमाल KFC, मैकडोनल्ड, सबवे, आपने नाम सुना होगा, ये सारी कंपनियां फ्रेंचाइजी मॉडल पे ही काम करके एक्सपैंड कर रही है, और उन्होंने किया भी है। आप भी अपने कंपनी में इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो और एक्सपैंड कर सकते हो बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। दोस्तों फ्रेंचाइजी मॉडल से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना ल्यूक्रेटिव ये बिजनेस है उतना ज्यादा इसमें रिस्क भी होता है, क्योंकि कब कोई इंसान आपके नाम का गलत इस्तेमाल कर ले और आपका ब्रांड वैल्यू खराब हो जाए, ये बहुत ज्यादा सतर्क रहने वाली बात है। तो एक बिजनेस ओनर को इसके लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसके बहुत सारे प्रोस एंड क्रॉन्स है दोस्तों, और ज्यादा जानकारी अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं और आप भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मेरी किताब जरूर पढ़ें। उसमें फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में अच्छे से डिटेल्स में विस्तार से बताया गया है, और वो फ्लिपकार्ट और मेरे वेबसाइट यूथप्रनोर इंडिया में अवेलेबल है। ये बुक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा। दोस्तों अगर आज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे बिजनेस ओनर का पूरा जिंदगी ही बदल सकता है अगर उन्होंने सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया। तो थैंक यू सो मच, फिर आऊंगा किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।